राजकहनी जो है वो हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कैटेगरी में आने वाली फिल्म है और इसका जो कथानक है, स्क्रीन प्ले है, उसका स्तर बहुत ही सुपीरियर है। और ये औरतों की कहानी है, औरतों की दास्तान है और हमारे हिंदुस्तानी इतिहास को बहुत करीब से देखती है। जब हमारा मुल्क का जन्म हुआ था, जब आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म हुआ था और बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और अजीब सी एक त्रासदी हम पर आ बरसी थी, तो उस फ्रेम में इन्होंने ये कहानी कही है। इसका परफॉर्मेंस का स्तर, इसकी हर एक बारीक सी बारीक जो डिटेल है वो इतने प्रेम से फिल्म मेकर ने पेश की है कि इसको देखकर आदमी चौंक जाता है कि आज की तारीख में इतने कम बजट में एक रीजनल सिनेमा इतना कुछ प्राप्त कर सकता है। और हम सोच रहे हैं कि इसको हम हिंदी ज़बान में किसी तरह अडेप्ट करें। काम हमने शुरू किया, देखते हैं आने वाले कल में इसको हम क्या सही रूप दे पाए। जी जी सर, बट साहब ये भी जानना चाहिए, जिस तरह से रीजनल सिनेमा इतना इस नेशनल लेवल पे जाके लोगों की वाह वाह बटोर रहा है, कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स जो है उनको एक पहचान मिल रही है रीजनल सिनेमा से, ये मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हिंदुस्तानी सिनेमा की आप बात करते हैं तो हमें ज़रा बड़ी जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ हिंदी सिनेमा को हिंदुस्तानी सिनेमा के नाम से पुकारते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ की आबादी है, हर